बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आज अपने लोगों के बीच, खाकी वालों के बीच कविता पढ़ने का अवसर मिला है। आदरणीय कप्तान साहब बैठे, आदरणीय सेनानायक साहब बैठे, ऐसा बिरले ही अवसर मिलता है कि कोई कोई पुलिस का कर्मचारी बोले और अधिकारी बैठ के सुने। अगर आज ये विलक्षण अवसर मिला है तो आप सबसे जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ। सौरभ भैया ने मेरी भूमिका में कहा कि कलम और बंदूक के बीच में तारतम्यता मिलाता है। मैं चार पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूँ, अपने तेवर की बात करना चाहता हूँ, चार पंक्तियों में शुरू होना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि कलम से तेग से, आंखों से, लब से बात करता हूँ, कि कलम से तेग से, आंखों से, लब से बात करता हूँ। राजा या भिखारी कोई सबसे बात हूँ, कि कलम से तेग से, आंखों से, लब से बात करता हूँ। राजा या भिखारी कोई सबसे बात करता हूँ। भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में, लेकिन कि भले हो तल्ख लहजा जंग के मैदान में, लेकिन अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूँ। कि अदब की महफिलों में मैं अदब से बात करता हूँ। कि कथा कहानी भाव व्यंजना, कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूँ। कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूँ। कविताओं में अक्षर में जज्बात पकड़कर चलता हूँ। कि कविताओं में अक्षर में जज्बात पकड़कर चलता हूँ। और जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझमें भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ। बहुत दूर तक तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ। मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। चार चार पंक्तियां बताता हूँ, ये खाकी वर्दी, बाकी जितने लोग सिविल से बैठे हैं वो समझते होंगे कि हम 2.5 या 3 मीटर कपड़ा पहन के अपनी इस बुलंदी से देश की रक्षा कर पाते हैं। 2.5 मीटर कपड़ा नहीं होता, आपका विश्वास होता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वर्दी की परिभाषा पढ़ना चाहता हूँ, वर्दी वाले लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ, हमारी इज्जत आपके हाथों में सौंपना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ कि वर्दी है क्या। मैंने कहा सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी, हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी, कि हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी। और किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है। किसी के वास्ते बेशक के बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी, हमारी जान है वर्दी। चार पंक्तियां और सुने। जब लोग कहते हैं कप्तान साहब ये वर्दी वाले बड़े निष्ठुर होते हैं, मैं उन तमाम लोगों से, आप तमाम कोमल हृदय लोग बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने किसी चाहने वाले, अपने प्रियजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं तो कौन सा तीर मार लेते हैं? हम तो उनके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं जिनकी शक्ल 5 मिनट पहले देखी भी नहीं होती है। तब मैंने कभी एक मतलब और एक शेर कहने का प्रयास किया। सौरभ भैया, मैंने कहा कि न केवल इश्क करती है, कि न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, कि न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, अलग रुतवा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। न केवल इश्क करती है कयामत तक निभाती है, अलग रुतवा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। और सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, कि सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी। किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है, कि मिटाने के लिए दहशत अमिट हथियार है वर्दी, कि मिटाने के लिए दहशत अमिट हथियार है वर्दी, जो तोड़े दंभ शत्रु का वही तलवार है वर्दी। ये वर्दी क्या है मेरे दोस्तों तुमको बताता हूँ, कि ये वर्दी क्या है मेरे दोस्तों तुमको बताता हूँ, कि जमाने भर की इज्जत है दुआ है प्यार है वर्दी, जमाने भर की इज्जत है दुआ है प्यार है वर्दी। बहुत सारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हितों को, नातों वालों को ये शिकायत होती है कि हम वर्दी वाले लोग
तीज त्योहार में अच्छे बुरे में नहीं पहुंच पाते, हम अच्छे में पहुंचे न पहुंचे बुरे में पहुंचते हैं। वहां से एक मतला एक शेर और पढ़ना चाहता हूं, वर्दी की कविता पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि बेशक 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 सबसे मिलने में दुश्वारी है, कि नए तेवर में पढ़ना चाहता हूं कि बेशक बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है, कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। और माँ बीबी बच्चों से पहले ड्यूटी की, कि माँ बीबी बच्चों से पहले ड्यूटी की, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी। भाई बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी बात अभी की वर्दी वाले ये हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हम पे आक्षेप लगाते हैं, आपको कोई आक्षेप लगाता है, आपको कोई गालियां देता है, आप पे कोई आरोप लगाता है तो आप प्रत्युत्तर देते हैं, मगर हमारा उत्तर सिर्फ यही होता है कि हम उनका उनके प्रति प्रेम बढ़ा देते हैं। मैंने कभी कहा कि दुनिया में वर्दी वालों पे कोई भी लांछन लगाना, हे वर्दी वालों मेरे सामने बैठे हो, मेरे कुल के भाइयों बैठे हो, मैं आप तमाम लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ, पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि हम वर्दी वाले कितने भी गलत हो सकते हैं, कितने भी बुरे हो सकते हैं, कितने भी क्रूर हो सकते हैं, सब बताएंगे पुलिस वाले क्या क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पुलिस की सभा में कि पुलिस वाले क्या नहीं हो सकते। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, पूरी खाकी की गर्जना चाहिए, ये सभागार की छत हिल जानी चाहिए। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। कौन? हम वर्दी वाले। कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। और हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं, कि कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात करते हैं, भाई भारत माता की, नमः पार्वती पताये हारा हारा महान। मैं आग्रह करता हूँ एक पंक्तियाँ फिर से, कि मैंने कहा कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं। कौन? ये खाकी वर्दी वाले। कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। कि हम फूलों की फितरत वाले कार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं। और हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा कि जुगनू को सूरज जैसा सम्मान दिलाती है वर्दी, कि जुगनू को सूरज जैसा सम्मान दिलाती है वर्दी, जान हथेली पर रख के हर फर्ज निभाती है वर्दी, ये वर्दी मजलूमों की हर आस को जिंदा रखती है, अंधियारों में उम्मीदों के दीप जलाती है वर्दी, अंधियारों में उम्मीदों के दीप जलाती है वर्दी। मेरे मित्रों, चार पंक्तियों में जुड़ना चाहता हूँ, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा मौका और माहौल कभी कभी मिलता है। आप तमाम लोगों को उस घटना से जोड़ना चाहता हूँ, जब लाल किले की प्राचीर पे कुछ दंगाई भाई बनकर आए थे। मेरी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, उस दिन मोर्चे पे मैं भी था, मेरे गर्दन पे भी तलवार थी। चार दिन बाद बड़े चैनल जी न्यूज पे हमें बुलाया गया था और मुझे वहाँ कविता करनी थी। मैं आप तमाम वर्दी वालों की तरफ से उन दंगाइयों का जवाब देना चाहता हूँ। लोगों ने आप दिल्ली पुलिस जैसे श्रेष्ठ बल में काम करते हैं और आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने कहा कि मित्रों, जब हम ऐसे देश के लोग हैं, वो भाई बनकर आए थे, उन्होंने कहा हम किसान बन के आए, अगर वो दुश्मन की वर्दी पहन गया था तो हम जवाब देते। आप तमाम लोगों की तरफ से दुनिया में इस देश में जितने भी वर्दी पहनने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जी न्यूज के चैनल से मैंने जवाब भेजा था। मैंने कहा था कि भाई बनकर आए थे दंगाई सब,
मुझे याद है वो बाकिया चुकी उस कार्यक्रम का संचालन आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी कर रहे थे, पर मैंने वही जवाब दिया था कि भाई भाई बनकर आए थे दंग आई सब, दुश्मन वाली वर्दी थोड़े पहनी थी, कि भाई बनकर आए थे दंग आई सब, दुश्मन वाली वर्दी थोड़े पहनी थी, और हम भी हाथ उठा सकते थे बैरी पर, कि हम भी हाथ उठा सकते थे बैरी पर, हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहनी थी, कि हमने हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहनी थी। चलिए तेवर को बदलता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ, बाकी संवेदनाओं की बात करता हूँ। अभी अभी जी 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 बिल्कुल याद है मुझे, उतना ही याद है कि आपको याद था। चार पंक्तियां पढ़ना था तो दमदार ने बेटियों की बात करी, जब ये बच्चियां सामने बैठी होती हैं तो कुछ कहने का मन होता है, मन ये होता है कहने का बच्चियों के लिए, कि घर के आंगन में ये बच्चियां, कि घर के आंगन में ये बच्चियां जैसे बागों में हो तितलियां, कि घर के आंगन में ये बेटियां जैसे बागों में हो तितलियां, इनको उड़ने दो आकाश में, इनको उड़ने दो आकाश में, घर की जीनत है ये बेटियां, घर की जीनत है ये बेटियां, इनको ऐसे ही आकाश में उड़ते रहने दीजिएगा। पिता तुल्य बहुत सारे लोग बैठे हैं, चार पंक्तियां उनके चरणों में रखकर बात समापन की तरफ बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है और मुझे समय का पूरा मान है, पूरा ज्ञान है। मैं चार पंक्तियां उन तमाम पिताओं के लिए कहना चाहता हूं, ये नए बच्चे जो यहां बैठे हैं, तमाम माता पिता के चरणों में उनकी तरफ से कहना चाहता हूं, पिता होते क्या है साहब। दमदार सुनना, मैंने कभी कहा कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर, कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर, और एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, कि एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर, कि दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर। मातुल्य बहुत सारी लोग बैठी हैं, तो मैं चार पंक्तियां उनके चरणों में भी रखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ जाने का हुनर जानते हैं लोग सब, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, कि माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। मैंने माँ और पिता की बात की, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, हम सभी अभिभावक हैं, जब बच्चे अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करते, तो मैंने कभी चार पंक्तियां ये पढ़ी कि मजूरी करके भी, उन तमाम बच्चों को कहना चाहता हूँ जो माँ बाप की आशाओं को लेकर चलते हैं, कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूँ, तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूँ, कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूँ, तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूँ, मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, कि मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, मैं तेरी पीठ पे लटके हुए बस्ते में रहता हूँ, तेरी पीठ पे लटके हुए बस्ते में रहता हूँ। हम सब एक अभिनेता की तरह आपके सामने आए, कविता का कर्म करना था, हमें वही कहा जाता है जो आपको दिखे वो लिखे, और इसलिए हम लोग वही लिखते हैं। मैंने कभी कहा कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखे, कि किस तरह एक तेरे को दानी लिखे, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखे, हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, कि हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, दूध को दूध पानी को पानी लिखे, दूध को दूध पानी को पानी लिखे। आइए कविता के समापन पे चलता हूँ, चार पंक्तियां ये पढ़ के बात समाप्त करना चाहता हूँ, कि रिश्ता नाता सब अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए। बिल्कुल नई पंक्ति पढ़ रहा हूँ आप लोगों के बीच, तालियों से विदा कीजिएगा, क्योंकि मैं कविता के बीच में कभी तालियों के लिए कहता नहीं, अंत कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समापन की तालियों के साथ भेजिएगा। दिल्ली मैंने कहा कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए, कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए, कविताएं खुद बोल उठेंगी, सम्यक अनुमय करते रहिए, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो जब तक पर्दा गिर ना जाए तब तक अभिनय करते रहिए, जब तक पर्दा गिर ना जाए तब तक अभिनय करते रहिए, जब तक पर्दा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।